इंजन की, तो इसमें आपको मिल जाता है 125cc सिंगल सिलेंडर फोर वेल्व फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड लिक्विड कूल्ड पेट्रोल इंजन विच इज मेटेड टू अ 6-speed गियरबॉक्स। और इस गाड़ी से 14.3 BHP का पावर जनरेट होता है और 12 Nm का टॉर्क। इससे आपको लगभग 35-40 का माइलेज हाईवे पर मिल जाया करेगा। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10.2 liters का। इस गाड़ी का वेट है 148 kg का और ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm का। और बात करें इस गाड़ी में यूज़ होने वाले चैसी की, तो इसमें ट्यूबुलर ट्रेलिस फ्रेम नाम का एक चैसी मिल जाता है, जो कि काफ़ी रिजिड है, काफ़ी अच्छा शेप है, जो गाड़ी को बहुत अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स प्रोवाइड करता है। और इस गाड़ी का टॉप स्पीड है 115 km/h का। ये गाड़ी आपको सिटी में चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा इनिशियल पिकअप मिलेगा, बहुत ही अच्छा पावर मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करेंगे होंडा 125cc बाइक्स या हीरो की 125cc के बाइक से, तो आप गलत हैं, ये उन गाड़ियों में से नहीं आती। इसमें काफ़ी ज़्यादा पिकअप है, ये स्पोर्टी नेचर की गाड़ी है, तो प्लीज़ इस गाड़ी को उन गाड़ियों से कंपेयर ना करें। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1.30 lakh rupees का। और जैसा कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 125cc से ऊपर की बाइक्स में ABS मैंडेटरी कर दिया जा चुका है, तो इस गाड़ी में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है, जो कि फ्रंट टायर पे वर्क करेगा। तो ये है KTM ड्यूक 125 की चाबी। देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लग रही है ये चाबी। अब इस गाड़ी को ऑन करें फिर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको मिल जाता है डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर। लेफ्ट साइड पे दो बटन्स दिए गए हैं, देख सकते हैं, एक है मोड और दूसरा है सेट। तो इसमें आपको मिल जाता है डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म, दो ट्रिप मीटर्स, लो फ्यूल वार्निंग, लो ऑयल वार्निंग, लो बैटरी वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ABS का लाइट और डिजिटल क्लॉक। और भी इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स एंड सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। और ये है इसके स्विचेस, ABS ऑफ करने का इसमें आपको नहीं मिलता। और ये इसका फ्यूल टैंक, जो कि 10.2 लीटर्स का है। और ये कूलेंट फिलर कैप, यहाँ से कूलेंट भरेंगे आप इस गाड़ी में। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, ये देख सकते हैं। फ्यूल टैंक काफ़ी मस्कुलर है। और ये पिलियन सीट, सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है। और देख सकते हैं सीट ओपन भी होती है। और एक गियर पैडल, जो कि 6-speed है, 6 gear इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये पिलियन फुटरेस्ट, और ये स्पोर्टी चेन स्प्रॉकेट। और ये इसका इंजन 125cc का। और ये ड्यूक 125 का स्टिकर। और ये इंजन बेली, जिसे टेक्निकली काउल कहा जाता है, इंजन काउल, जिसमें ड्यूक लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं सस्पेंशन। और ये इसका हेडलैम्प यूनिट, इसमें आपको LEDs नहीं मिलते, ये नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प है। इंडिकेटर्स आपको LED मिल जाते हैं। और नीचे देख सकते हैं पार्किंग लैंप। और ये छोटा सा इसमें वाइजर भी है। और ये LED इंडिकेटर्स है, 3 LEDs दिए गए हैं उसमें। और ये है अपसाइड डाउन फॉक्स, जो कि 43 mm के हैं। ये ट्रिपल रेड स्प्रिंग के साथ आते हैं। और फ्रंट डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, जो कि 300 mm का है विथ ABS। और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 110x70 R17 inches के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स। और ये ऑरेंज कलर के अलॉयज देख सकते हैं। और ABS का सेंसर भी दिख ही रहा होगा। ये अपसाइड डाउन फॉर्क्स हैं, बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो उल्टा रहता है, इसलिए इसे अपसाइड डाउन फॉर्क्स बोला जाता है। काफ़ी बहुत ही बढ़िया इसमें जो फ्रंट टायर प्रोफाइल है वो बनाई गई है। और ये इसका रेडिएटर देख सकते हैं,
जहाँ पर कूलेंट इसके इंजन ऑयल को काफ़ी ठंडा रखता है और बहुत ही बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करता है। और ये ब्रेक पैडल देख सकते हैं, और ये है मोनोशॉक जो कि 10 स्टेप एडजस्टेबल है और इसमें 60 mm का है डबल रेट के साथ। और ये ग्रैब हैंडल पिलियन के लिए, और ये टेल लैंप LED टेल लैंप है, और LED इंडिकेटर भी है रियर पे। और ये रियर डिस्क ब्रेक देख सकते हैं जो कि 230 mm का है, और टायर है 150x60 R17 इंचेस की ट्यूबलेस रेडियल विथ ऑरेंज कलर के अलॉयज। और मड गार्ड भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दिया गया है, काफ़ी अच्छी ग्रिप एंड फीडबैक प्रोवाइड करता है ये टायर्स, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल के टायर्स हैं। अगर आपको बाइक चाहिए जो कि काफ़ी स्पोर्टी हो और माइलेज भी अच्छी हो और लगना चाहिए कि आपके पास KTM की बाइक है, तो आप इस मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर नहीं है, तो इसमें माइलेज ऑफ कोर्स आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है और ड्यूक बाइक भी आपके पास रहेगी। और इसका इंजन छोटा है तो आपके जो लेग्स हैं उसमें आपको ज़्यादा गर्म हवा भी नहीं पहुँच पाएगी। ज़्यादा बड़ा इंजन होने का जो कॉन्स है सबसे बड़ा वो यही है कि जो पैर है वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा झेलना पड़ता है, इंजन की सारी गर्मी आपके लेग्स पर आती है, तो इसका इंजन छोटा होने की वजह से इसमें आपके लेग्स को ज़्यादा गर्म हवा नहीं पहुँचेगी, तो आप इस मॉडल को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको सिटी कम्यूटर बाइक्स के हिसाब से चाहिए तो। और अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।